मैं रोशन यादव द बिहार टीचर्स एस्टीमेटर्स में आप सबों का स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा नंबर सवाल है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुणा एलसीएम होता है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल है। पहला नंबर 2691। सबसे पहले इसका गुणनफल निकालेंगे कि अगर 26 का गुणनफल हम लोग निकालते हैं तो 2 13, उसके बाद अगर 91 का गुणनफल निकालते हैं 7 13। तो चलिए 26 का गुणनफल हो गया 2 × 13 और 91 का हो गया 7 × 13। तो इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि कोमन है 13। जो कोमन होता है वो HCF होता है, तो HCF बराबर हो गया आपको 13। उसी में LCM, LCM वो होता है कि जो कोमन आ गया वो संख्या, जो बचा हुआ संख्या है गुणनखंड में उसको लिखेंगे। तो उसको लिखने के बाद जितना आए, तो इसको देखिए 7 × 14 = 14 = 42, उसके बाद 14 × 14 = 18, तो 182 LCM आ गया, 13 HCF आ गया। तो अब कहता है कि आप जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जैसे यहाँ पर है कि 26 और 91, इन दोनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो 23 66 होगा। गुना कीजिएगा आप लोग कि 23 66 होगा। उसी प्रकार से अब कहता है कि HCF गुना LCM कीजिए, तो HCF हमको आया है 13 और LCM आया है 182। अब इन दोनों को गुना करने के बाद भी हमें 23 66 प्राप्त होगा, जिसको आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। इसी प्रकार से इस टाइप का जो भी सवाल होगा आप उसे आसानी से बना सकते हैं।